तो पापा को अलविदा कह के मैं निकल पड़ी थी एक नई जगह एक्सप्लोर करने की। वैसे तो ट्रेन का सफर बहुत ही बोरिंग हो जाता है जब अकेले ट्रैवल करो, मगर अगर कंपेनियन अच्छा मिल जाए तो टाइम पास हो जाता है। तो हमने तो टाइम पास किया भाई लूडो खेल के। वेन यू आर एन आउटसाइडर तो लोगों की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको ठग ले, लेकिन नहीं भाई, हम तो बस में जाएंगे। टैक्सी वॉज कॉस्टिंग मी 500 रुपीज, बट बस में इट जस्ट टुक मी 29 रुपीज फॉर गांधीनगर। पहुंच गई मैं अपने होटल। तो ये देख लो भाई लोग, ये है मेरा होटल रूम। फ्रेशन अप तो हो गए, अब चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि बहुत जोरों से भूख लग रही। तो आई वेंट टू दिस प्लेस जस्ट आउटसाइड ऑफ माई होटल और यहाँ पर ना सभी लोग इनसे पौआ मांग रहे थे, टू विच आई गॉट रियली कंफ्यूज एंड आई थॉट ये सुबह सुबह अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे। बट देन भैया ने बाद में समझाया कि ये पोहा को पौआ कहते हैं। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि मुझे अपना बेस्ट सेलिंग पोहा दे दो और उन्होंने मुझे ये दही पौआ पकड़ा दिया। अब मुझे देखने में तो बहुत अजीब लग रहा था, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई हैड दैट वन, इट टेस्टेड रियली गुड। इट वॉज मोर लाइक चाट पापड़ी। चाय में पीती नहीं हूँ बट मैंने ले ली, मुझे लगा पोहा पूरा नहीं पड़ेगा, बट पोहा खा के बहुत ज्यादा पेट भर गया है, तभी लेके चलते हैं रूम पे। कैब मंगवा दिया बाहर घूमने के लिए और अब मुझे पता चल रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। वाओ, बट कोई बात नहीं, बारिश में ही घूम लेंगे। सो आई डिसाइडेड टू गो टू अक्षरधाम। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छी जगह बनाई हुई है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी वैसे, कभी रुक रही थी कभी हो रही थी, बट ऑल इन ऑल आई लव द प्लेस। सो इफ यू आर इन और अराउंड अहमदाबाद यू शुड गो देयर। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी जरूरी होती ही है। अब मेरा मोबाइल का नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो वाई। जब से मैं इस होटल में आई हूँ, मैंने कदम रखा है यहाँ पे, तब से मेरा फोन का नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एंड मैंने यहाँ से जाते वक्त तो बुक कर ली थी राइड, बट वहां से आते हुए पंगा हो गया और ऑटो वाला मुझे डबल चार्ज कर रहा है। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सो आई हैड टू कम। फ्रेंड्स, अंजल चूल्हा लेके आया है मेरे को, मेरा दोस्त। आगे आगे कमेंट्री, जाना कहाँ है? कार्यक्रम देखेंगे, जाना कहाँ है? ये क्या है? ओ, मैं भी पहली बार आया हूँ। हाउ डू यू नो ये अच्छा है? अरे यार, इतनी भीड़ है तो अच्छा ही होगा ना। देख के यहाँ तो आ गए ये सोच के कि जगह अच्छी होगी इसलिए भीड़ ज्यादा है, बट ये ध्यान में नहीं आया कि टेबल भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वी हैड टू गो टू सम अदर प्लेस। जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पे वेटिंग में 25-30 लोग खड़े हुए थे, तो वी डिसाइडेड टू कम हियर। मुझे नहीं पढ़ा जा रहा है क्या लिखा है, बट एनीवेज। ये क्या चीज है? सेव डुगड़ी। सेव डुगड़ी और ये वाली रोटी, सेव और प्याज की सब्जी, ये भाखरी है, भाखरी भाखरी। ये तृप्ति आइसक्रीम, तो ये गुजरात की गांधीनगर की फेवरेट है सबकी और बहुत ही फेमस शॉप है। एंड एंडिंग द डे विथ टैंगो चार्ली आइसक्रीम। मुझे लास्ट डे वाला दही पोहा इतना अच्छा लगा था कि मैं फिर से उसी शॉप पे पहुंच गई वापस पोहा खाने के लिए। दिस इज श्रीखंड, दिस इज पनीर आई बिलीव, दिस इज पोटैटो बोंडा मिक्स्ड वेज, लौकी का हलवा, भरवा भिंडी, दैट्स ऑल वी हैव हियर, गुजराती क्यूज़ीन। Just came back. Now I need to be real quick in changing my dress because I'll be going to maybe Ahmedabad. Let's go. Done with the work for first day and now I'm out to explore again. Hello friends. This is Ahmedabad ka riverfront. इस टाइम पे ये जगह बहुत ही पीसफुल लग रही थी, तो यू कैन जस्ट कम हेयर फॉर अ बाइसिकल राइड मे बी और जस्ट सिट एंड रिलैक्स। और ये है अहमदाबाद का फेमस अटल ब्रिज, इस टाइम पे बहुत ही प्यारा लग रहा था दूर से। तो ये जा रही है लॉ गार्डन स्ट्रीट, फेमस फॉर फास्ट फूड। चनिया चोली की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, सभी शॉप्स पे आपको एक से एक बढ़िया चनिया चोली मिल जाएगा। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ चनिया चोली की दुकानें हैं इधर। एंड देन हेयर वी हैड देसी इटालियन पिज्जा एंड मसाला भाजी। अभी तक हम न्यू अहमदाबाद साइड पे थे, अब वी आर ऑफ टू ओल्ड अहमदाबाद जहाँ माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू टेक मी टू मानिक चौक, विच अपेरेंटली इज वेरी फेमस फॉर स्ट्रीट फूड।
और यहाँ पे रात के 2-3 बजे तक शॉप्स खुली रहती है। द फर्स्ट थिंग आई ट्राइड इज कॉल्ड घोटाला डोसा, एंड घोटाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे डोसे के साथ में कुछ चीजी स्टफ होता है। एंड द नेक्स्ट आइटम ऑन द टेबल इज चीज पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच। उसका दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन था। 1-2-3-4 कैसे सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो यार? नहीं गा मैं। 1 stone paper scissor 2 stone paper scissor 3 बहुत ज्यादा पतंग उड़ा रहे थे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सब इधर आते हैं। तो लोग एक एक दो दो लाख देते हैं इन घरों के सिर्फ छत रेंट पे लेते हैं पतंग उड़ाने के लिए। हेलो, बैक फ्रॉम ऑफिस अगेन, चेंज्ड इनटू कैजुअल्स एंड नाउ आई एम आउट टू एक्सप्लोर। देखते हैं कहाँ जाना है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, बट आई एम गोइंग टू गो आउट विद अनदर गर्ल आई मेट हियर, सो या। तो हम आ गए अहमदाबाद में और सबसे पहले हम आए ये टेम्पल देखने के लिए जिसका नाम है हथी सिंह टेम्पल। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1848 में कराई। इस मंदिर का आर्किटेक्चर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मारू गुर्जरा स्टाइल विद न्यू आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ हवेली। नाउ यू आर ऑफ टू अनदर प्लेस टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी मे बी। बट ये कोई रेगुलर रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे 26 ग्रेव्स हैं। एंड डू यू सी दैट पेंटिंग हैंगिंग अबव? That is an original M.F. Hussain painting जो खुद M.F. Hussain ने इस रेस्टोरेंट के ओनर को गिफ्ट की थी। ये होटल बना 1950 में, ये पहले ग्रेवी यार्ड था। अच्छा, ये पूरी जगह ग्रेवी यार्ड था, उसके अंदर होटल बनाया है, उसके अंदर 26 टॉम बैक, 26 दो इधर है, 24 बाजू में कबर है। अच्छा, 26 कबर है जी। ये अंदर दो नीम का जार है, दूसरा M.F. Hussain का पोस्टर है सामने, उसे 2004 में प्रेजेंट किया। बाहर से आने वाले टूरिस्ट को ताजुब लगता है कि सरप्राइज है, कपड़े कम और भी होटल सब बोलते ही पॉसिबल, हाउ कैन इट पॉसिबल, उसको ताजुब लगता है जी। और इधर राहुल गांधी मन दशा खा के गया, राहुल गांधी खा के गए। एंड जस्ट अक्रॉस द रोड देयर इज सिद्दी सैयद की जाली। अभी इस टाइम मगरिब का टाइम था और लोग नमाज पढ़ रहे थे, सो वी कुडंट गो इनसाइड, बट बाहर से देख के बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वी आर इन द मिडल ऑफ सम मार्केट जिसका नाम नहीं पता है, बट ये पूरी ऐसे लोकल मार्केट है हर जगह। वैरायटी बैग्स, ये तो पूरी बहुत एक्सटेंडेड मार्केट है। तो ये तीन दरवाजा है, ये तीन दरवाजा, ये सामने वाला, ये पूरा तीन दरवाजा। सो दिस वॉज तीन दरवाजा मार्केट और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, तो इफ यू वॉन्ट टू शॉपिंग यू कैन कम हियर। नेवर सीन दिस रूट बिफोर। येलो वाला फ्रूट कुछ हम दोनों के लिए नया था, हम दोनों में से किसी ने भी नहीं खाया था, तो हमने थोड़ा सा ले लिया टेस्ट करने के लिए। और रात के टाइम पे ना यहाँ पे मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट लग रही थी। देन वी केम अक्रॉस दिस हवेली जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बाहर से, तो हम लोग फोटोज लेके आ गए, बट एट दिस पॉइंट वी डिडंट इवन नो वेयर वी वर। और फिर घूमते घूमते हम लोग मानिक चौक पहुंच गए। हजरत सुल्तान अहमद, ठीक, थैंक यू। तो हमें इन अंकल ने बताया कि सामने की गली से अंदर जाके हजरत सुल्तान अहमद का मिजार है, हुआ और उन्हीं के नाम से इस सिटी का नाम अहमद आबाद पड़ा था, तो हम भी चल पड़े उस तरफ। और यहाँ हमें पता चला कि अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो जामा मस्जिद आती है, तो हम उस तरफ भी चल पड़े। क्या करें? बट ईशा की नमाज का टाइम हो गया था तो हम ज्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ से सीधा आगे निकल गए मार्केट के, और वहाँ से हमने ऑटो ले लिया अटल ब्रिज की तरफ जाने के लिए। ऑटो वाले भैया को रुकवा के शोरमा ले रहे हैं क्योंकि भूख लग गई। अब हम दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, तो सोच रहे हैं रिवर फ्रंट पे बैठ के कुछ खाते हैं। हमारे पास है शोरमा और ये येलो फ्रूट, क्या नाम है इसका? खिरक। खिरक। डिनर विद दिस ब्यूटी, आई मीन ब्रिज। ओके, 1-2-3। वो साइड से सारा लीक हो रहा है। एंजॉइंग द व्यूज व्हाइल फिलिंग द टमी। किस्मत खराब। कितने बजे बंद होता है? 10 बजे। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ अटल ब्रिज पे नीचे ग्लास सीलिंग है पूरा, जहाँ से आप पूरा नीचे का रिवर का व्यू देख सकते हो, तो आई रियली वॉन्टेड टू गो देयर, बट मेरी किस्मत खराब, फॉर द सेकंड टाइम
इट वॉज क्लोज. कच्ची खजूर निकली है तो गुड मॉर्निंग. इट्स माई लास्ट डे हेयर इन गुजरात और हम लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, मतलब मैं और मेरे साथ जो यहाँ पर आए थे लोग बाकी के फॉर दी वर्क पर्पस. तो दे ऑलरेडी वेंट टू अदालज की वाव यस्टरडे, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई विल गो टू अदालज की वाव एंड देयर गो सम प्लेस एल्स दैट आई हैव बीन बिफोर सो दैट वी कैन मीट एट अ सेम प्लेस एंड देन एक्सप्लोर. मैं राइड बुक कर रही हूँ बट वो हो नहीं रही है, सो आई डोंट नो, लेट्स ट्राई अगेन. फाइनली मिल गई राइड, कार बुक नहीं हुई तो बाइक ही सही. गॉट माय टिकट, एंटर्ड अदालत की वाव, लेट्स सी व्हाट वी हैव. अदालत इज अ स्मॉल टाउन नियर गांधीनगर और वाव गुजराती में स्टेपवेल को कहते हैं, जिसे हम नॉर्थ. ये स्टेपवेल 1498 में क्वीन रूदा देवी ने बनवाया था. यहाँ से कैब करके मैं पहुंच गई सीधा गांधी आश्रम. एट गांधी आश्रम रीयूनाइटेड विद दीज गाइस. चाल से भाव से ने आवर से चाल से भाव से ने आवर से आवर चाल से मतलब के आपको जो खाना दिया हाँ वो चलेगा. अच्छा आपको बड़े अच्छा ना लगा गुजराती कोई भी खाना दोगे तो बोलेगा अच्छा. थर्ड डे और आज तीसरी बार मैं इस ब्रिज के पास आई हूँ. आई होप आज मुझे टिकट मिल जाए अंदर जाने के लिए. मुझे लगा इट्स लाइक अ ग्लास फ्लोर जहाँ पे यू कैन वॉक बट इट्स नॉट लाइक दैट. ये ग्लास फ्लोर है जिसके नीचे रिवर है बट ये भी फॉगी है सो यू कांट सी एनीथिंग. बैक एट लॉ गार्डन स्ट्रीट क्योंकि मेरे साथ वालों को चनिया चोली खरीदना था. ऑल्सो टेस्टिंग माई बार्गेनिंग स्किल्स हेयर. मेक श्योर टू बार्गेन व्हेन यू आर हेयर क्योंकि ये ना 70% बढ़ा के बताते हैं प्राइस. अब इतना घूमने के बाद ना बहुत ज्यादा भूख लग रही थी हम लोगों को तो हम चले गए श्री महेंद्र थाल. यहाँ पे यू गेट अनलिमिटेड थाली, दो आई डोंट प्रेफर चीनी इन माई दाल एंड सब्जी बट आई रियली एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव अ टेस्ट ऑफ गुजराती क्यूजीन यू मस्ट कम हेयर. अपने कैब ड्राइवर के साथ गुजराती सीखते सीखते हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए थे बट यहाँ पे अभी आरती में बहुत ज्यादा टाइम था तो हम लोग थोड़ा बाहर से ही घूमे एंड देन वी हैड टू कम बैक बिकॉज मेरे साथ के लोग जो थे दे हैड टू कैच अ फ्लाइट एंड उससे पहले उन्हें शॉपिंग भी करनी थी. सम मोर शॉपिंग एट संगिनी, दिस इज गुरुकुल रोड. दे रियली हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ साड़ीज तो अगर आपको भी साड़ी शॉपिंग करनी है ना यू कैन चेक इट आउट. Now it's time to buy some sweets. Have you ever tasted khakra? Agar nahi to you should. It's more like a Gujarati version of papad. And they have so many flavors like Maggi flavor, kurkure flavor, pani puri flavor and what not. Time to say goodbye to these lovely people. I hope we meet again soon. My flight wasn't until next morning, so I still had some time. So Priyati called me to her home and I went back to Gandhinagar to meet her. We had some tasty South Indian food. एंड फिर हम उनके घर चले गए जहां हमने बहुत सारी गप्पे मारी. देन आई पैक माई बैग्स एंड गॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. एंड इट्स टाइम टू रिटर्न बैक होम.
तो टैक्सी लेके मैं पहुंच गई एयरपोर्ट और मस्त लॉन्च में बैठ के ब्रेकफास्ट किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट.